आप लोगों को भी अपना उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बनवाना है तो आप लोगों की इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस पोस्ट पर पहुंचना होगा अगर आप लोगों को अपना राशन कार्ड बनवाना है। और इस पोस्ट पर पहुंचने के लिए आप लोगों को बस नीचे दिए गए इस यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप लोगों को इसको क्लिक करने के बाद आप लोग इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद आप लोग इस वीडियो में अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब इस वीडियो में आप लोगों को जो बताने वाले हैं वह चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आप लोगों को इस पोस्ट पर पहुंचने के बाद यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं वह आप लोगों को पढ़ना होगा। जैसे कि अगर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर आप लोगों को एक चाहिए होगा, जब अगर आप लोगों को अपना राशन कार्ड उत्तर प्रदेश में बनवाना है तो, और आपका वह नंबर चालू होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी भरनी होती है। जैसे सबसे पहले आप लोगों की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, एक परिवार के साथ आप लोगों की फुल फैमिली के साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। और उसके बाद आप लोगों को इसमें एक सिग्नेचर, आपके घर पर कोई जनरेटर नहीं होना चाहिए, एसी नहीं होनी चाहिए, चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए और कोई भी भारी व्हीकल नहीं होना चाहिए। और आप लोगों का मकान ज़्यादा बड़ा नहीं बना होना चाहिए। इतनी सब जानकारी के बाद आप लोग इसमें ये सारी जानकारी आप लोगों को इसमें एक बार अपडेट करानी होगी। उसके बाद आप लोगों को इन सभी जानकारियों को एक जगह जाकर सबमिट करना होगा। जैसे कि आप सभी लोगों को इस वीडियो में, आप लोगों को इस पोस्ट में आप लोगों को एक लिंक मिल, उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए ऐसे एक फॉर्म बनकर आ जाएगा, जिस फॉर्म को आप लोगों को डाउनलोड करना हो। आप लोगों को इस फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए, अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड करें, अगर आप लोग शहरी क्षेत्र में रहने वाले हैं तो यहाँ से डाउनलोड करें। उसके बाद आप लोग अगर श्रमिक हों, जैसे किसी चीज़ से आप लोगों का परेशानी चल रही हो और आप लोगों को उसका आनंद मिल रहा हो, तो आप लोगों को सरकार की तरफ से अगर आप लोगों को कोई भी खाता या फिर कोई भी चीज़ खुली हुई हो तो आप लोग यहाँ से ओपन करवाएंगे अपना फॉर्म। ग्रामीण वालों फॉर्म हम आप लोगों को ओपन करके दिखा देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को फॉर्म दिखेगा। इसमें आपका महिला मुखिया के नाम लिखना होता है, जो कि आप लोगों के घर में जो महिला मुखिया होती हैं। गैस कनेक्शन मिला हो तो आप लोगों को यहाँ पर सिलेंडर या फिर पाइपलाइन, अगर आप लोग सिलेंडर के ऊपर ऐसे टिक कर दें। उसके बाद गैस एजेंसी का नाम, ईमेल का पता, गैस कंपनी का नाम, गैस वाले का नाम, अपना पूरा मकान संख्या वर्त, और यहाँ पर आप लोगों को अपने पूरे मकान की पूरी डिटेल, अपनी आयु लिखनी है, जन्म तिथि लिखनी है, यहाँ पर आधार एनरोलमेंट नंबर, अगर आधार एनरोल हो चुका है तो आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता का नाम और अपना गृहस्थी का नाम, उसके बाद आधार संख्या, और आप लोगों को यहाँ पर अपना डिटेल लिखनी है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, सभी का नाम, उम्र और महिला मुखिया से संबंधित और लिंग। उसके बाद आप लोगों को यहाँ आधार संख्या लिखने के बाद, सदस्य की कुल वार्षिक आयु लिखने के बाद, आप लोगों के यहाँ अंगूठा या फिर साइन करनी है। यहाँ पर आप लोगों से फिर पूछा जाता है कि आप लोगों के घर में जो भी लोग रहते हैं उसमें आप लोगों के पास क्या आयकर दाता हैं, ना अगर हाँ तो ना, या अगर हाँ या ना, परिवार में ट्रैक्टर या फिर इन सब चीज़ों से आप लोगों को पूरी जानकारी पढ़कर आप लोगों को टिक या फिर क्रॉस कर देना है। कुछ इस तरीके से आप लोग उत्तर प्रदेश में अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं।